हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला सो माय डियर फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि एसईसी पेपर फाइनेंस फॉर एवरी के सिलेबस को एंड साथ ही आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कुछ बेस्ट एंड कुछ इसेंशियल रीडिंग्स जो कि यू के द्वारा सजेस्ट की गई हैं ये वीडियो बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स एंड एज वेल एज़ बी ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है अगर आपका भी ये एस ई सी पेपर है तो आपको ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से थीम्स हैं जो आपको इस पेपर के अंदर कवर करने हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंदर कवर करने हैं एंड उन टॉपिक्स को कौन सी एक बेस्ट बुक से जो हैं आप कवर कर सकते हैं सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सिलेबस को एंड जो उसकी बेस्ट रीडिंग्स हैं जो एसेंशियल रीडिंग्स हैं जो कि यू के द्वारा सजेस्ट की गई हैं So, my dear students, let's begin. And first of all, try to understand the name of this paper, which is named as Finance for Everyone. सो देखिए स्टूडेंट्स आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल जो कंटेंट कवर करना है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही कवर करना है आखिरकार फाइनेंस होता क्या है क्या इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ये ओवरऑल आपके इसके अंदर कवर करना है सो so, देखिए अगर हम बात करें कि आखिरकार फाइनेंस होता क्या है तो फाइनेंस जो है वो कंसर्न करा जाता है एक आर्ट एंड साइंस से जो कि मैनेज करता है मनी को बेसिकली जो फाइनेंस जो है वो एक टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है मैटर्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो फाइनेंस है वो एक ब्रॉडली एक टर्म है जो कि आपको डिस्क्राइब करती है कि कैसे मनी को जो है आप जो है मैनेज कर पाते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट होती हैं एंड सो ऑन सो इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं या फिर जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें यूज़ होता है क्रेडिट एंड डेबिट का एंड इसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं एंड जो इन्वेस्टमेंट हैं फाइनेंशियल करंट प्रोजेक्ट से वो यूज़ होती हैं फ्यूचर इनकम फ्लोज के लिए सो so, देखिए इसकी जो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करा जाता है वो इस प्रकार करा जाता है कि फ़र्स्ट जो है वो आपका पब्लिक फाइनेंस हो जाता है सेकंड जो है वो आपका कॉरपोरेट फाइनेंस हो जाता है थर्ड जो है वो आपका पर्सनल फाइनेंस हो जाता है अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो हैं जैसे कि टैक्स सिस्टम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडेंचर या फिर जो बजट प्रोसीजर्स होते हैं ये ओवरऑल जो है पब्लिक फाइनेंस के अंदर आते हैं अगर हम बात करें कॉर्पोरेट फाइनेंस की तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है कि आप किस प्रकार एसेट्स को जो है मैनेज करते हैं क्या लाइबलिटीज़ होती हैं क्या रेवेन्यूज होते हैं ये ओवरऑल आप इसके अंदर कवर करने होते हैं अगर हम बात करें जो आपका थर्ड जो है कैटेगरी पर्सनल फाइनेंस की उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं सो so, देखिए इसके अंदर जितनी भी फाइनेंशियल डिसीजनस होते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो

सो आई ये स्टूडेंट्स ब्रीफली आपको बताते हैं कि क्या क्या सिलेबस है कितने यूनिट्स आपको इसके अंदर कवर करनी है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली कवर करने हैं सो so, देखिए यूनिट वन है इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग इसके अंदर आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है कि आखिर का फाइनेंस होता क्या है क्या उसकी प्रोसेस होती हैं किस प्रकार आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं बजटिंग प्रोसेस क्या होती है एंड सो ऑन जो इसके अंदर आपको कवर करना है वो है मीनिंग इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका क्या स्कोप है क्या उसका मायने है क्या उसका इम्पोर्टेंस है ये ओवरऑल आपको इसके अंदर कवर करना है जो प्री रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी हैं जिसमें लेवल ऑफ एजुकेशन नोमरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो भी इसके अंदर आपको कवर करनी है जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं पोस्ट ऑफिसेज़ हैं या फिर जो मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं वो भी आपको इसके अंदर कवर करनी है नीड ऑफ़ अवेलिंग ऑफ फाइनेंशियल services from banks का टॉपिक भी आपको इसके अंदर कवर करना है जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो भी आपको इसके अंदर कवर करनी है जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक वॉन्ड्स से रिलेटेड एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग दीज नीड्स वो भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं बैलेंसिंग बिटवीन इकोनॉमिक वॉन्ड्स एंड रिसोर्स आपको कवर करना है किस प्रकार बैलेंस होता है इकोनॉमिक वॉन्ड्स के बीच एंड रिसोर्स के बीच ये आपको समझना है मीनिंग क्या है इंपॉर्टेंस क्या है क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की ये भी आपका यहाँ पर कवर करना है पर्सनल बजट क्या होता है किसे कहते हैं पर्सनल बजट ये भी आपको कवर करना है फैमिली बजट किसे कहते हैं बिजनेस बजट किसे कहते हैं एंड एंड जो नेशनल बजट होता है वो क्या होता है ये चार तरीके के बजट आपको यहाँ पर कवर करने हैं प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग अ बजट कैसे प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कैसे एक बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है ये आपको कवर करना है बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट आपको कवर करना है जो एवेन्यूज़ फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस है वो भी आपको कवर करना है जो सोर्सेज हैं मीटिंग द डिफिसिट ये भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं सो so, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ ही आपका पेपर है लेकिन इसमें जो स्पेसिफ़िकली जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको बेहतर तरीके से कवर करने हैं दैन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की सेकेंड यूनिट जो कि है बैंकिंग सर्विसेज इसमें ओवरऑल आपको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कवर करना है जिसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ बैंक्स बैंक कितने तरीके के होते हैं वो आपको कवर करना है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो सर्विसेज जो ऑफ़र करी जाती हैं बैंक के द्वारा वो भी आपको कवर करनी है टाइप्स ऑफ बैंक आपको कवर करने हैं जिसमें डिपॉजिट बैंक हैं सेविंग बैंक अकाउंट है टर्म डिपॉजिट है करंट अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट है, है या फिर जो पैन कार्ड जो एड्रेस प्रूफ के नॉर्म ये जो है ये भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं जो वेरियस टाइप के लोन भी होते हैं वो भी आपको कवर करने हैं जैसे कि एजुकेशन लोन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन व्हीकल लोन हाउसिंग लोन शॉर्ट टर्म लोन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑवर ड्राफ्ट कैश क्रेडिट मॉर्गेज रिवर्स मॉर्गेज हाइपोदिगेशन प्लेज एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स ये ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करने हैं ठीक है जो कैशलेस बैंकिंग है जो ई e बैंकिंग है या फिर जो चेक काउंट्रीफ्टे जो करेंसी है ये भी आपको कवर करनी है सी बी सी आई पी आई एल आपको कवर करना है ए टी एम क्या होता है ये भी आपको कवर करना है नेट बैंकिंग सर्विसेज़ क्या हैं आर टी जी एस एन ई एफ टी आई एम पी एस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज़ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर बैंकिंग कंप्लेंट्स एंड ऑम्बन ये आपको कवर करने हैं ठीक है देन इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट यूनिट थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं इंडिया पोस्ट सर्विस से ये आपको कवर करनी है जिसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आपको कवर करनी है जिसमें सेविंग बैंक रिकरिंग डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट मंथली इनकम स्कीम किसान विकास पत्र एन एस सी पी अगर हम बात करें एन की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर हम पी की बात करें तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसकी फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड सो ऑन मनी ट्रांसफ़र जिसमें आपको मनी ऑर्डर ई मनी ऑर्डर इंस्टेंट मनी ऑर्डर कोलेब्रेशन विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज मो विदेश इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस मनी ग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र इंडियन पोस्टल ऑर्डर ये ओवरऑल जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस से ये आपको यहाँ पर कवर करनी है देन जिसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट यूनिट फोर इंश्योरेंस सर्विसेज जिसमें आपको इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में हर एक टॉपिक को कवर करना है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं सबसे पहले जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंडोवेंट पॉलिसीज़ पेंशन पॉलिसीज़ यू एल आई पी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कंपेरिजन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफर्ड बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ ये आपको कंपेरिजन के तौर पर भी कवर करना है कंपेरिजन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ़र्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ जिसमें आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी कवर करना है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम आपको कवर करनी है जिसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूलर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आपको कवर करने हैं दैन इसके बाद जो है आपकी फाइनल यूनिट है यूनिट फाइव स्टॉक मार्केट्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको कवर करनी है जिसमें टर्म्स यूज इन स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे टर्म्स जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होती हैं वो आपको कवर करनी है जैसे है सेंसेक्स सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं उसकी फुल फॉर्म जो है वो है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स ये जो है एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर बात करें नेक्स्ट तो वो है निफ्टी निफ्टी मींस जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिफ्टी ये आपको यहाँ पर कवर करनी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली स्टॉक मार्के मार्केट टर्म्स हैं प्राइमरी मार्केट्स आपको कवर करने हैं सेकेंडरी मार्केट्स आपको कवर करने हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई आपको कवर करना है फोलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफ ऑफर फॉर सेल ओ एफ एस ब्लॉक डील इक्वेलिटी शेयर्स सॉरी इक्विटी शेयर्स प्रिफ्रेंसेज शेयर्स ये जो है ये आप डेवेंचर्स बोनस शेयर्स स्टॉक स्प्लिट डिवाइंडेड बाईपैक डीमेट ओवरऑल आपको कंसेप्ट जो है कवर करने हैं आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको इसके अंदर कवर करना है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डीआई स्लिप भी आपको कवर करनी है जो ब्लू चिप्स होती हैं वो भी आपको कवर करना है डिफेंसिव स्टॉक फेस स्ट वैल्यू मार्केट वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्री ओपनिंग सेशन ट्रेडिंग सेशन ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस बिजनेस डेज बुल बुल मार्केट बियर मार्केट रिस्क स्टॉप लॉस डेरिवेटिव्स कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एंड जो होल्डिंग पीरियड है वो भी आपको कवर करना है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स म्यूचुअल फंड एंड इट्स वेरियस स्कीम्स ये तमाम टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं यूनिट फाइव में सो so, ये आपकी ओवरऑल यूनिट फाइव है जो कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स के साथ कवर करनी है देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी गई हैं जैसे कि आप बैंक में विजिट करें पोस्ट ऑफिस में विजिट करें एंड इंश्योरेंस कंपनीज में विजिट करें टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस एंड टू नो द प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑफ दीज सर्विसेज देन इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बाद कि कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स जो कि यू जी सी एफ़ के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं वो कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं यू जी सी एफ़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू के ट्वेंटी के तहत आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आइए आपको बताते हैं कुछ बेस्ट रीडिंग्स कुछ एसेंशियल रीडिंग्स जिनके माध्यम से आप जो हैं हर एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं सो नाउ डियर स्टूडेंट दीज आर दम बेस्ट बुक्स फॉर यूअर एस ई सी पेपर फाइनेंस फॉर एवरी वन आप देख सकते हैं पहला जो है वो है इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट्स इन इंडिया काफ़ी अच्छी बुक है ये टॉप वन पर रखी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बुक है काफ़ी मददगार है आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करने में इसके बाद जो है वह है इन्वेस्टमेंट गेम हाउ टू विन काफ़ी अच्छी बुक है दैन इसके बाद है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फोर नॉन फाइनेंस मैनेजर्स काफ़ी अच्छी बुक है एंड इसके बाद जो बुक है वो है फाइनेंस फॉर एवरी वन यू जी सी एफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये चारों की चारों बुक जो हैं काफ़ी यूज़फुल हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं इन बुक के माध्यम से आप जो हैं ईजी वी में कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं एंड आप जो हैं ऑनलाइन जाकर भी इन बुक्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं एंड डियर स्टूडेंट्स आप आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं एक बार एस टू का स्टडी मेटर भी चेक करें इस पर कि उसमें किस प्रकार चीज़ों को डिफाइन किया गया है एंड ई ज्ञान कोश का मेटेरियल भी आप इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस है क्या यूनिट्स हैं कौन कौन सी थीम्स हैं कौन कौन से डिफरेंट एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको हर एक यूनिट के अंदर कवर करने हैं एंड उन टॉपिक्स को आप कौन कौन सी सजेस्टेड रीडिंग्स एंड कुछ एसेंशियल या फिर बेस्ट रीडिंग्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स डेट्स ऑल फॉर टूडे आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी वेल अगर आप कुछ भी क्वेरीज हैं कुछ भी आपके डाउट्स हैं कुछ भी आपका सजेशन है तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके कर सेंड कर सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने का अगर आपके सजेशन हमको अच्छे लगते हैं तो उनको फॉलो करने का भी हम जरूर प्रयास करेंगे साथ ही डीटे स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है वहाँ पर जाकर आप जो है स्टडी मेटीरियल को डाउनलोड कर, कर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग जो है अपने अपने सजेशन्स जो हैं हमारे जो मेल आई है पढ़ाई विद गुरु चेला उस पर भी सेंड कर सकते हैं एंड एज़ वेल एज़ आप लोग जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो